नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्र जनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के बारे में बात करूंगा। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए कुछ मित्रों ने आग्रह किया था, तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में उद्धव ठाकरे जी की क्या स्थिति है, मैं सिर्फ उसी पे चर्चा करूंगा। यानी चर्चा का जो ग्राउंड होगा वो बड़ा छोटा होगा, यानी बहुत बड़ा स्पैन नहीं लूंगा मैं यहाँ, मतलब पूरी कुंडली की एनालिसिस नहीं करने जा रहा। वर्तमान में 2024 में क्या स्थिति है इनकी कुंडली की, उस पर चर्चा करें। उसके पहले शुरुआत में बता दूं, कन्या लग्न और सिंह राशि की कुंडली है इनकी। लग्नेश बुध दशम में बैठा हुआ है और दशम भाव की इंपॉर्टेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जिद्दी व्यक्ति हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बचपन से ही वो सत्ता से जुड़े रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं वो। बाला साहब ठाकरे मुंबई के अघोषित राजा ही थे, इसमें भी कोई शक नहीं। तो कन्या लग्न और मेष राशि की कुंडली, उद्धव जी की महादशा चल रही है 2012 से बृहस्पति की, 15 दिसंबर 2012 से 15 दिसंबर 2028 तक बृहस्पति की महादशा चलेगी। और इस वक्त उद्धव जी बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतरदशा से गुजर रहे हैं। यानी यहां आप देख सकते हैं 16/4/2024 तक सूर्य की अंतरदशा रहेगी और 16 अप्रैल 2024 से 16 अगस्त 2025 तक चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। वर्तमान में उनके ग्रहों की स्थिति को भी देख लेते हैं थोड़ा। सूर्य की अंतरदशा जो चल रही है, सूर्य की जो स्थिति है उसको देखते हैं। सूर्य शनि के नक्षत्र में है और सूर्य के शब में है। सूर्य का शनि के नक्षत्र में होना, और चूंकि 4, 5, 6 का सिग्निफिकेटर बना रहा है, सूर्य हालांकि एकादश में बैठा हुआ है चलित में, लेकिन सूर्य खुद द्वादश में है, तो एकादश का कॉम्बिनेशन सूर्य को यहाँ मिला है। शनि के नक्षत्र में है, 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, शनि चौथे भाव में है, तो सूर्य खुद एकादश में होने के बावजूद शनि का कॉम्बिनेशन मिलने की वजह से ये अंतरदशा सूर्य की उनके लिए अच्छी नहीं रही। पंचम भाव सत्ता से डिस्कनेक्ट करता है जातक को। शनि पंचमेश है, चौथा भाव घर का भाव है, डोमेस्टिक भाव है, छठा भाव विरोधी और शत्रुओं को दर्शाता है। चंद्रमा की अंतरदशा अब शुरू होने वाली है 16 अप्रैल 2024 को, जो 16 अगस्त 2025 तक चलेगी। चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, चंद्रमा एकादशेश है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। यहां देख सकते हैं आप, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, शुक्र द्वितीयेश है, भाग्येश है और शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का संबंध एकादश से बना हुआ है। इसको केपी चलित की दृष्टि से देखें तो शुक्र एकादश में ही है, और ध्यान से कॉम्बिनेशन को समझिए। चंद्रमा एकादशेश है, द्वादश में होने के बावजूद अपने नक्षत्र के माध्यम से फिर एकादश से संबंध बना रहा है। कॉम्बिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं, एकादश में 11th में प्लस लिखा हुआ है, यानी एकादश भाव से बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बिना किसी किंतु परंतु के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चंद्रमा की जो अंतरदशा शुरू हो रही है उद्धव ठाकरे जी की 16 अप्रैल 2024 को, ये अंतरदशा उन्हें सफलता दिलाने वाली अंतरदशा है। राजनीतिक सफलता यहाँ उनकी बढ़ेगी, यानी राजनीतिक सफलता में उनकी वृद्धि होगी, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं फिर से। कॉम्बिनेशन को थोड़ा और अच्छा समझना चाहते हैं तो चंद्रमा देखिए द्वितीयेश के नक्षत्र में है, यहाँ 2 लिखा दिखाई दे रहा है, नौमेश के नक्षत्र में है, 9 भी लिखा दिखाई दे रहा है, और एकादश का कॉम्बिनेशन डबल बना हुआ है। चंद्रमा एकादशेश है, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र एकादश में, और 12 माइनस और द्वादश का भी संबंध है क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में है। ये केपी चलित कुंडली है आपके सामने, जो ग्रह जहां है वो आपको दिख रहा है। जुपिटर यहाँ तीसरे भाव में है, जबकि लग्न कुंडली में आपको जुपिटर चौथे भाव में दिखाई देगा। ठीक है, तो उद्धव जी की कुंडली का जो शॉर्टेस्ट आकलन मैंने आपके सामने किया, इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता आप लोगों का। इससे ज्यादा वक्त लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस वक्त
फलादेश या आकलन सिर्फ 2024 के मद्देनजर कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि 2024 लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे जी का प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। एक बात मैं बहुत बोलता हूं कि महादशानाथ का और अंतरदशानाथ का संबंध 6-8-12 से नहीं होना चाहिए। हालांकि चंद्रमा का यहां 12 से संबंध है, लेकिन चंद्रमा की अंतरदशा में एकादश का फल उन्हें ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। ज्योतिष समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरा ध्यान से और सुन लीजिए। यहां 11 के पास प्लस की जगह माइनस होता और द्वादश के पास प्लस होता तो निश्चित तौर पे सफलता खटाई में पड़ जाती। मैं समझता हूं कि जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा और उनको वीडियो अच्छे लगते होंगे, जिस प्रकार से मैं तकनीकी पक्ष भी आपके सामने खोल के रखता हूं। सीखने के उद्देश्य से सिर्फ आके बोल के चले जाना कि ये होगा वो होगा, वो उद्देश्य मेरा नहीं होता। मेरा उद्देश्य आपके सामने जस्टिफाई करना भी होता है कुंडली के आकलन के आधार पे। मैं कुंडली से बाहर व्यक्तिगत ओपिनियन थोपने की कोशिश नहीं करता। मैं समझता हूं ये वीडियो इतना ही काफी है, इस वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उद्धव जी की सफलता बढ़ने वाली है, यानी उद्धव ठाकरे जी को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। जो लोग नए आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।